क्वेश्चन है अब इसके बाद से थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। नो ड्रामा नो क्लिकबेट ओनली टेक, लेकिन आपके चैनल पे साहब वो दिखता नहीं है सर। हाँ, उसका मैं कारण बता, आप भी बहुत कुछ बताते हैं लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं दे पाते हैं, लोगों को प्रैक्टिकली चाहिए। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? और आज आपके सामने ऐसी हस्ती है, जानते होंगे आप लोग, बताने की जरूरत नहीं है, हमारे योगी जी, टेक्निकल योगी जी, नाम तो आपने सुना होगा। तो आज हम उनके साथ हैं। नमस्ते सर, कैसे हैं? आपको भी बहुत बहुत नमस्ते और आपको भी बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमको हमारे आपके चैनल पे हमें जगह दी। अरे साहब, आप ही बचे थे हमारी ऑडियंस भी मांग कर रही थी। नहीं, बहुत दिन से मेरा भी मन था, मैं आपसे मिलूं, बात भी हो रही थी अपनी। अच्छा। लेकिन आप रहते हो कानपुर, मैं रहता हूँ अलवर, तो मेरा बीच में कर लेते हैं, मैं दिल्ली आऊंगा। तो देखो, आज पहली बार दिल्ली आया हूँ उस बात के बाद, और आपको मैंने आज ही बुलाया। सर ने हमको बुलाया और बहुत अच्छा लगा सर से मिलके। आज कुछ बात करते हैं यूट्यूब के बारे में, पहले शुरुआत आपकी लाइफ से करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताएंगे कि आखिर यूट्यूब पे आपको आना कैसे, वो कौन सा पॉइंट था, कौन सा समय था जहां से आपको पता चला कि नहीं, यूट्यूब पर हमें काम करना चाहिए? देखिए, बेसिकली क्या है कि मैं थिएटर से हूँ, मैंने 19 साल थिएटर किया है, सन 96 से मैं स्टेज पर काम कर रहा हूँ, और अभी आप देखो मैंने 2016 तक 20 साल स्टेज पर काम किया। उसके बाद मैंने मीडिया से पढ़ाई की, क्योंकि मेरी जो पहले ग्रेजुएशन मैंने की थी वो मेरी आर्ट से थी, और मैं फिलोसफी से पढ़ा हुआ हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी फिलोसफी का मैं बच्चा रहा हूँ। उसके बाद क्या कि जॉब नहीं मिली, मैं जॉब के लिए जाता था क्योंकि जॉब की मुझे रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि मेरे पापा जब एक्सपायर हुए थे, मैं 15 साल का था, बड़ा था, तो पैसे की बहुत जरूरत थी, पुअर फैमिली से था। तो जब भी मैं उस डिग्री को लेकर कहीं जाता तो लोग कहते, आपने फिलोसफी ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ी, आप साहित्यकार बनो, आर्टिस्ट बनो, जॉब नहीं मिलेगी। तो बड़ा दिक्कत हुई मेरे साथ, और फिर मैंने सोचा भाई अब क्या किया जाए। तो मैं हमारे थिएटर के गुरुजी के पास गया। उन्होंने कहा कि भाई योगी, आप बोलते अच्छा हो, तो आप जर्नलिज्म का कोर्स करो, आप मीडिया में जाओ, ये एक प्रोफेशनल पढ़ाई होती है। फिर मैंने वापस से डिग्री करी जर्नलिज्म में, और ये भी अच्छा था कि जर्नलिज्म में मैंने डिग्री करी। मैंने सोचा कि टीवी चैनल तो मुझे जल्दी से जॉब नहीं देगा, तो मैं अखबार में आर्टिकल लिख लिया करूंगा। लेकिन एक मैं शो कर रहा था और मेरा लास्ट ईयर चल रहा था मीडिया का, एक टीवी चैनल के मालिक थे, उन्होंने मेरे को देखा और उन्होंने अपने टीवी चैनल पर मेरे को शो बनाने के लिए बोल दिया कि आप सीधा शो ही बनाइए। अखबार में आर्टिकल भी लिखा करता था, बहुत आर्टिकल लिखे मैंने। लेकिन क्या होता है कि जब हम मीडिया में काम करते तो हम आजाद नहीं होते, और मैं एक अंदर से आर्टिस्ट हूं, आर्टिस्ट को एक आजादी चाहिए। आप एक यूट्यूबर, अपने को आजादी चाहिए, अपन जॉब नहीं कर सकते। सही बात है, आजाद तो है ही। तो बस वही था। फिर मैंने एक दिन, मैं थोड़ा स्वाभिमानी आदमी हूं, एक दिन मुझे लगा कि यार एक एज ए आर्टिस्ट मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंच रही है, या फिर यहां पे उतना मैं ऑनेस्टी से काम नहीं कर पा रहा हूं। मैं अगर कोई न्यूज लेकर आ रहा हूं, पता चल रहा है वो एडवर्टीजमेंट दे रहा है उसी मीडिया कोई, तो मेरा न्यूज ही कट रहा है, मैं पूरे दिन मेहनत कर रहा हूं। मैंने एक दिन वो रिजाइन कर दिया। उसके बाद क्या होता है कि यूट्यूब की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, ये आता है मेन पॉइंट। अब मैंने 3 महीने तक कुछ नहीं किया, मैंने कभी बीच में एक बार इलेक्ट्रॉनिक का डिप्लोमा किया था। अच्छा, अच्छा। डिप्लोमा में मैंने थ्योरी कंप्लीट करी थी, और जब मैं प्रैक्टिकल पेपर देने गया तो मुझे बहुत तेज करंट लगा। तो मैंने अपने हेड से पूछा कि सर इतना तेज करंट, मैं तो घबरा गया। तो उन्होंने कहा भाई आप इस लाइन में हो तो जीवन भर करंट लगते ही रहेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी था, और मैं मतलब सैड भी हो गया, अगर जीवन भर करंट लगेंगे। मैंने कहा सर मैं ये डिप्लोमा छोड़ देता हूं। तो वो डिप्लोमा मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया, लेकिन थ्योरी मेरी कंप्लीट थी। तो पहले क्या था कि मेरे किसी मित्र को इन्वर्टर खरीदना था, मैं दुकान पे उसके साथ गया, तो जो इन्वर्टर का सेल्समैन था उसने बहुत अच्छे से समझाया उसको कि ये इन्वर्टर होता है साइन वेव, मोडी 5 साइन वेव, ये वो। तो मुझे लगा कि यार लोगों को इसकी भी नॉलेज चाहिए। तो मैं इलेक्ट्रॉनिक से थ्योरी पढ़ी हुई थी, तो मेरे आप देखोगे स्टार्टिंग की वीडियो यही मिलेगी, कैसे इन्वर्टर खरीदे, कैसे पानी की मोटर खरीदे, कैसे सब कुछ खरीदे। उसके बाद क्या होता है कि एक बार मेरे को कॉर्पोरेट स्ट्राइक मिला किसी वीडियो पे, और कॉर्पोरेट स्कूल आया, आता है ना पहले स्कूल, 3-4-5 क्वेश्चन होते हैं। तो मैंने सोचा ये, अब मेरे को नॉलेज नहीं थी, मैंने सोचा इतना पढ़ने के बाद कॉर्पोरेट का भी कोई स्कूल में जाना पड़ता है क्या? तो मैंने किसी यूट्यूबर से पूछा भाई ये कॉर्पोरेट स्कूल में कैसे पढ़ाई होती है? उन्होंने कहा भाई पढ़ाई नहीं होती, कॉर्पोरेट जब स्ट्राइक आता है तो स्कूल में 4-5 क्वेश्चन पास करके और एक कॉर्पोरेट के बारे में आपको नॉलेज देते हैं। तो मैंने सोचा ये भी एक स्टडी है। फिर मैंने YouTube की सारी पॉलिसीज पढ़ी, जितनी भी पॉलिसीज थी। कहाँ से पढ़ी आपने? YouTube के ऑफिशियल ब्लॉग से। मैं जितने को पढ़ने का बहुत शौक है। कभी स्टार्टिंग में आपने किसी क्रिएटर को फॉलो नहीं किया? नहीं, मैंने वहां से पढ़े, बहुत पढ़ा। एक क्रिएटर था, मैं वो उनका वीडियो देखा करता था, अभी पता नहीं वो कंटिन्यू क्या कैसे करके, एक चैनल था। हाँ, जानते हैं। हाँ, उन दीदी का मैं चैनल देखता था, उनका देखता था मैं, उनका विदाउट फेस वो बनाते थे। ज्यादा बनाते थे। हाँ, आज भी बनाते थे। तो बस ऐसे फिर मैंने सोचा कि यार अब YouTube टिप्स का इतना नॉलेज हो गया, तो होता क्या, फिर भी मैं अपना इलेक्ट्रॉनिक का ही बनाता रहा। देखा मैंने अब। किसी यूट्यूबर का एक बार उस स्ट्राइक आया, वो मुझे पास पूछने आया कि भाई आपके पास स्ट्राइक आया, आपने कैसे हटाया, क्या किया? तो मैंने बताया भाई हटाया नहीं, मैंने 3 महीने वेट किया, और मैंने कहा भाई यूट्यूब के भी रूल्स होते हैं। तो उसने जानने की कोशिश की, तो मुझे लगा अच्छा ये भी लोगों को चाहिए। तब से यूट्यूब के टिप्स, तब से स्टार्ट किया।
मेरा एक क्वेश्चन ये होगा कि YouTube टिप्स ना, पहले आपका जो नीच था, लोग काफी बात करते हैं नीच पे, तो अचानक से आप YouTube टिप्स में आए, फिर भी आपका चैनल चला। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली मैं कहा कि ये 2016 की बात है। हाँ। उस टाइम नीच पे इतना कुछ नहीं था, आप जो भी डालते थे चलता था। आज बहुत जरूरी है नीच पे, आज बहुत जरूरी है, बिल्कुल आज काफी जरूरी है नीच पे काम करना। मैं तो ये कहूंगा आज के टाइम में माइक्रो नीच पे जाके काम करो, अच्छा, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। मान लीजिए कोई नया क्रिएटर है, आज यूट्यूब चैनल बनाना चाह रहा है, 5-6 वीडियो बनाता है, किसी पर टेक की वीडियो बनाता है लाइक यूट्यूब टिप्स, तो पहली बात तो नए क्रिएटर को यूट्यूब टिप्स देना बेकार है। बिल्कुल बिल्कुल बेकार, लोग यकीन नहीं करते, देखेंगे नहीं उसे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। अदरवाइज और भी यूटेक वीडियोस बनाता है, मान लीजिए उसमें सक्सेस नहीं होता है, उसमें इसके बाद वो और दूसरी वीडियो मोटिवेशनल वीडियो बनाता है, उसमें सक्सेस नहीं होता है, और दूसरे ब्लॉग डालता है, उसमें भी सक्सेस नहीं होता है, हर तरीके का कंटेंट डाल दिया, किसी में सक्सेस नहीं हो रहा है, फिर क्या करें वो? देखिए जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति एक सफल यूट्यूबर बने, जैसे हर व्यक्ति एक सफल बिजनेसमैन नहीं बन सकता, हर व्यक्ति एक सफल टीचर नहीं बन सकता, कोई व्यक्ति को आर्मी में जाना है बहुत तैयारी करता है वो सेलेक्ट नहीं होता, तो ये भी जरूरी नहीं कि एक आदमी सफल यूट्यूबर बन ही जाए, लेकिन अगर किसी की इच्छा है अंदर से तो वो यूट्यूबर बन सकता है, लेकिन उसके लिए वो किसी को देख के और पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पे आएगा तो उसका रिसर्च कुछ नहीं है, उसका नॉलेज कुछ नहीं है, 10-15 आइडिया उसके दिमाग में हो सकते हैं भले उसने किसी और के देखे हो, उसके दिमाग में वो जैसे आइडिया खत्म होंगे उसके पास कॉन्टेंट की प्रॉब्लम होगी और फिर वो भटकेगा और फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो मैं तो यही कहता हूं कि अगर आपको YouTube सच में स्टार्ट करना है तो पहले खुद पढ़ो, सीखो, डीप रिसर्च करो, फिर स्टार्ट करो, ताकि आप लंबे टाइम तक लोगों को कंटेंट डिलीवर कर पाओ। आपने बोला लोग सीखते नहीं है। एग्जैक्टली देखा, अरे यार उसका माय फर्स्ट ब्लॉग वायरल हुआ तो खुद ट्राई करने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और वीडियोस उसकी चल गई, एक वीडियो चल गई तो वैसे आप बनाने लगते हैं। मैं हमेशा कहता हूं लोगों को, वीडियो चलाने पे ध्यान मत दो, खुद के फेस को चलाने पे ध्यान दो। हाँ वही चीज है, वीडियो तो चली जाएगी, आप काम करोगे, लेकिन जब आप खुद ही नहीं सीख पा रहे हो कि हम कैसे काम कर रहे हैं। चलिए ये बहुत अच्छा जो आपको मोटिवेशनल की बात करी, बहुत सारे लोग पता है क्या करते हैं, किसी का मोटिवेशनल चैनल देख लेते हैं, फिर वो खुद मोटिवेशनल बनाते हैं और फिर मेरे को कॉल करते हैं, सर मेरे एक चैनल में व्यूज नहीं आ रहे, मेरे चैनल क्या मोटिवेशनल का। ऐसे भी लोग हैं, खुद मोटिवेट नहीं, खुद डीमोटिवेट है। तो ये पहले आप पढ़ो, सीखो, डीप रिसर्च करो, क्योंकि लोग एक्चुअल में आपसे नॉलेज लेने आए हैं, तो वो नॉलेज आपको भी होनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है। और आप जब किसी को फॉलो करके चैनल बनाते हो ना, तो आपके चैनल पे वो चीज दिखती है, लोगों को फील होता है कि उसने उसका देख के बनाया है। वही चीज, आज नए नए क्रिएटर जैसे आते हैं, हम लोग बताते हैं यूट्यूब के बारे में, तो वो ही आए और यूट्यूब का ज्ञान देने लगते हैं। एग्जैक्टली, और शॉर्ट टर्म गेम में रहते हैं वो, शॉर्ट टर्म गेम में सही है। लेकिन क्या होता है कि जब आप नया चैनल बनाते हो और आप शुरुआत में YouTube टिप्स के बारे में बात करने लगते हो तो लोग आप पे यकीन भी नहीं करते, और सच में आपको नॉलेज है भी नहीं, आपने भी किसी का देखा है बस, देखा और बनाना स्टार्ट कर दिया, आपको भी एग्जैक्टली नहीं पता, फिर आप 15 दिन बाद भी एक वीडियो बना रहे हो, भाई मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गया, यूट्यूब ने मेरे साथ धोखा कर दिया। वो इसीलिए आए क्योंकि आपको खुद ही नॉलेज नहीं थी। बस एक बार एक जो क्वेश्चन है अब इसके बाद से थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम सीधी बात करते हैं, जैसे आपका काम है नो ड्रामा नो क्लिक बेट ओनली टेक, आपका एक टाइटल है, मैं हमेशा देखता था वीडियो में जब आप शुरुआत करते थे, नो ड्रामा नो क्लिक बेट ओनली टेक, लेकिन आपके चैनल पे साहब वो दिखता नहीं है सर। हाँ, उसका मैं कारण बताता हूँ। जनाब बताएं उसका। देखिए होता क्या है कि YouTube पर मैं पहले सच में क्लिक बेट नहीं किया करता। हाँ, था। ये बात सही है। मेरे आप चैनल, और उस टाइम जरूरत भी नहीं थी। हाँ, उस टाइम तो आप जो भी लिख देंगे तो वो चल जाता। हाँ, मैंने बीच में बोलना छोड़ भी दिया था। अच्छा, और मैंने एक फिर लोगों ने मेरे को कमेंट किया कि आप वो क्यों नहीं बोलते, हमें वो डायलॉग पसंद है। तो फिर मैंने लोगों को कहा कि भाई मैं खुद क्लिकबैट करने लगा हूं, इसलिए मैंने उसे बोलना बंद कर दिया। अच्छा। फिर मेरे व्यूअर ने मुझे कमेंट किया उसी वीडियो के नीचे कि सर हमको भी पता है कि अब ये चलता है, लेकिन आप वो डायलॉग बोला करो, आपके मुंह से अच्छा लगता है, बस मैं इसीलिए बोलता हूं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी वीडियो में कभी गलत इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं करता हूं। इंफॉर्मेशन की बात नहीं है, बात यहां पर है नो ड्रामा नो क्लिकबैट ओनली टेक, बस वो एक वीडियो मार्केटिंग का तरीका है। अच्छा अच्छा, वो तरीका बस। चलिए ठीक। और सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्या क्लिकबैट जो हम लोग करते हैं कितना परसेंट YouTube पर आज लोग क्लिकबेट से पैसा कमा रहे हैं कर करके? देखिए मैं ये कहूंगा कि YouTube पे क्लिकबेट करना कोई गलत बात नहीं है, YouTube खुद भी कहता है कि मेक अट्रैक्टिव थंबनेल, मिसलीड करना गलत है। कि अगर मैं जापान का थंबनेल लगा रहा हूं और यूएस के बारे में नॉलेज दे रहा हूं, वो तो बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर जापान के बारे में आप नॉलेज दे रहे हैं, थोड़ा अट्रैक्टिव करके आप जापान के बारे में थंबनेल लिख रहे हैं, तो आप दे सकते हैं, टैगलाइन आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, और ये जरूरी है। आप देखिए दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट है उनकी भी टैगलाइन होती है ना, हर प्रोडक्ट की भी एक टैगलाइन है। अंबुजा सीमेंट का भाई सबसे मजबूत है, आते कि वो सौरभ जोशी है, वो तो कोई टैगलाइन नहीं, कोई नहीं कुछ नहीं लिखता है फिर भी व्यूज आते हैं। देखो उसका मतलब क्या है, हमारी ऑडियंस क्या है ना, थोड़ी भाली है, नई जनरेशन के लोग हैं, इनको समझ में आता नहीं है, तो वो चीजें बताइए इनको कि
कुछ भी नहीं लिखने से भी व्यूज आ रहा है। हाँ देखिए, मीडिया में मैंने पढ़ा था कि एक जो तस्वीर होती है, एक इमेज जो होती है, वो 1000 शब्दों के बराबर होती है। तो आप अपने थंबनेल पे या तो 1000 शब्द लिख दो, या फिर उस पिक्चर को ऐसा क्लिक कर लो कि वो 1000 शब्दों का काम करे। तो आप बिना कुछ लिखे भी थंबनेल को इस एंगल से आप क्लिक करो कि लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी जाग जाए। हमारा लिखना का मकसद भी क्यूरियोसिटी जगाना होता है। और कुछ ऐसा भी हम करें, मान लो एक हाथी है और हाथी के ऊपर एक कबूतर बैठ जाए, उसको मैं थंबनेल पे लगा दूं, तो मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा तो भी लोग लिखेंगे कुछ अलग हो रहा है, तो वहां पे क्लिक करेंगे। तो ऐसी कोई चीज जो अनयूजुअल होती है उसको आप पिक्चर में भी दिखा दोगे तो भी लोग क्लिक करेंगे। और अगर नहीं दिखा सकते, हमारा कंटेंट है जो किस मेले, तो आपको कुछ लिखना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है। बस हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि लोगों के दिमाग में क्यूरियोसिटी जागे उस वीडियो को देखने के लिए क्लिक करने के लिए। एग्जैक्टली। और सर एक चीज और पूछना चाहूंगा आपसे उसके बारे में। सर आज आप उस मुकाम पे हैं, आप एक कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, है ना, काफी सारे लोग 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो जाते हैं, 2 महीने 1 साल में हो गए, तो वो अपना 400-400 रुपए कोर्स बेचते हैं। हम देख रहे हैं यहीं पर कुछ मोटिवेशन चैनल वाले भी आज ज्ञान दे रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, नॉलेज है नहीं चले गए, लेकिन आज कोर्स के नाम पे सर काफ़ी सारे लोग लूट रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, ये हकीकत है। लोग मोनेटाइजेशन अप्लाई करने के लिए, हम आपका चैनल मोनेटाइज करा लेंगे, 7000 दीजिए, 10000 दीजिए, तभी आपका मोनेटाइज ऑन करेंगे। तो क्या इससे लोगों का भला होने वाला है, आप बताइए एक चीज। देखिए कोर्स पे अभी भी परेशान है और बंदे आते हैं, इनके भावनाओं के साथ खेलते हैं, इनको सपने दिखाते हैं, 3 महीने में प्रो यूट्यूबर बनाने का कोर्स, 1500-2000 रुपए लेकर भाग जाता है। बिल्कुल ठीक है। और आज गैप है चैनल पे, कुछ नहीं है, 50 लाख रुपए लेके चला गया वो इनकी भावनाओं से खेलकर। लेकिन कोर्स के बारे में मेरी एक स्पष्ट राय है, मेरे को भी बहुत बार मेरे ही व्यूअर ने कहा कि सर आप पेड कंसल्टेंसी दे दीजिए, कुछ लोगों के पास पैसे होते हैं, कुछ ने कहा कि आप कोर्स क्यों नहीं बनाते। बहुत सारी कंपनीज है, बड़ी बड़ी एड टेक कंपनीज है, जिनका नाम तो मैंने लूंगा, बहुत बड़ी कंपनीज है, उन्होंने बहुत ऑफर किया कि आप कोर्स बनाइए। मेरी एक स्पष्ट राय कोर्स के बारे में, कोर्स आप बनाइए गलत नहीं है। आप जिस तरीके से उसे बेच रहे हैं वहां पे आप कोर्स नहीं बेच रहे, आप लोगों को सपने बेच रहे हैं, वो तरीका गलत है। अगर मैं जिंदगी में कभी कोर्स बनाऊंगा भी तो मैं साफ बोलूंगा कि जो मैंने कोर्स बनाया है वो सब कंटेंट मेरे चैनल पे फ्री में भी है। फिर भी अगर आप एक समरी वाइज कोर्स खरीदना चाहते हो और आपके पास एक्स्ट्रा पैसे, तो आप खरीद सकते हो। अगर मैंने कभी बनाया तो मेरा बेचने का तरीका यही रहेगा। आज नए नए छोटे छोटे हैं 18-19 साल के, एफिलिएट मार्केटिंग से 1 करोड़ कमाओ, ऐसे ऐड चला रहे, एफिलिएट मार्केटिंग से 1-1 करोड़ रुपए कमाओ, बेवजह लोगों को सिर्फ कोर्स के नाम पे लूटने का काम किया जा रहा है। तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या एफिलिएट मार्केटिंग से 1-1 करोड़ रुपए कमा रहा है? देखिए अगर कोई एफिलिएट मार्केटिंग से 1 करोड़ रुपया कमा रहा है तो मुझे नहीं लगता कि कोई अपना कमाई का सीक्रेट किसी को देगा, वो खुद ही कमा लेगा। कोर्स मैंने आपको बताया, कोर्स में जितना भी कंटेंट है तो सब यूट्यूब पे अवेलेबल है। हाँ। बस आपको अगर एक समरी वाइज चाहिए तो वो मिल सकता है। लेकिन कोर्स को लोग बेचते अलग तरीके से, वहां वो सपने बेचते हैं, आपको 3 महीने में हम बना देंगे, आप कमाने लगेंगे। एग्जैक्टली यही तो लोगों की भावना हो जाती है, वो हमारे भरोसे बैठ जाता है। अच्छा ऑडियंस भी इसीलिए उसको खरीदते हैं, उनको भी लगता है कि ये कोर्स खरीदने के बाद हम करोड़पति बन जाएंगे। क्या पता लाख रुपए महीना कमाने लगे। वो ये नहीं समझते कि कई बार लोगों को एमबीए करने के बाद भी जॉब नहीं मिलती, तो ये कोर्स करने के बाद भी हम कमाएंगे, ये कोई निश्चित बात नहीं है सर हमारे। और ऑडियंस एक चीज जानना चाहती है, आज तक आपने कभी बताया नहीं आप कितना पैसा कमा लेते हैं। ये देखिए थोड़ा सा सस्पेंस है, लेकिन देखिए हकीकत कुछ और है। देखिए मैं आपको इसके बारे में भी मिथ बता देता हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि YouTube की गाइडलाइन के खिलाफ है पैसा बताना, लेकिन मैंने कई बार बताया कि YouTube की किसी गाइडलाइन में नहीं लिखा कि आप अपनी अर्निंग शो नहीं कर सकते। अर्निंग एग्जैक्ट नहीं बताने का कारण सिर्फ और सिर्फ इनकम टैक्स होता है। अच्छा, इसीलिए नहीं बताई जाती, वरना वो कभी नहीं होता कि YouTube की किसी पॉलिसी में नहीं लिखा हुआ है। ताकि अगर मेरी बात करें तो हाँ, मैं काफी अच्छा अर्न कर लेता हूँ, काफी अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ और सुकून में हूँ। सुकून मतलब कि YouTube पर काम जो कर रहे हैं, अगर सक्सेस हो जाते तो सुकून की जिंदगी है। देखो मैं इस पे एक और बात कहूंगा, YouTube मैं कहता हूँ पैसे का पेड़ है। मैंने 2017 में भी कहा था, पेड़ कैसे आप बड़ा करोगे, कैसे सींचोगे, आपके ऊपर है। आज तक कोई भी बंदा जिसने YouTube किया और YouTube में थोड़ा सा ग्रो हुआ, जिंदगी में आपको कभी ये नहीं बोलोगा यार फंस गया मैं YouTube में आके, यार YouTube में मजा नहीं आ रहा। वो जब बोलेगा जब तक वो ग्रो नहीं होगा। कोई भी ऐसा बंदा जो YouTube पे ग्रो हुआ है और उसने YouTube अर्निंग का मजा चखा है, वो कभी आपको ये नहीं बोलेगा यार मैं तो फंस गया। अच्छा, जॉब में बंदा बोल देगा यार जॉब में परेशान हो रहा हूँ, बॉस परेशान कर रहा है, पर YouTube से कोई दुखी नहीं होगा कोई भी। तो सर कितना आप अभी तक आपने मैक्सिमम कितना लिया है YouTube से एक महीने का पेमेंट, करीब ऐसे अराउंड बता सकते हैं? देखिए मैं आपको दोनों चीजें बता देता हूँ। मैंने हाईएस्ट अगर स्पॉन्सरशिप की बात करें तो एक वीडियो का 5 लाख तक भी चार्ज किया है, और अगर मंथली YouTube की अर्निंग की बात करूं हाईएस्ट तो 7.5 लाख तक एडसेंस का भी लिया है। क्या बात है सर, ये कोई बताता ही नहीं है।
हाँ, सब लोग कहते हैं गाइडलाइन के खिलाफ है, बट कोई गाइडलाइन के खिलाफ नहीं है, बस वो इनकम टैक्स वाली बात है। लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करते लोग, कहते पैसा है ही नहीं यूट्यूब पर। हाँ देखिए उसमें क्या होता है, कई लोग है ना ऐसे निश पे काम करते हैं, वहां पर उनको पैसा नहीं मिलता। दूसरी बात ये भी होती है कि जब चैनल आपका पुराना होता है तो आपको ज्यादा पैसा मिलता है, नए को कम मिलता है, तो नए लोगों को आपकी बात सुनकर यकीन नहीं होता। जी सर, मेरे चैनल पे आज 4.5 मिलियन व्यूज है लास्ट 28 डेज में, और अर्निंग की बात $2,100 बना हुआ है मेरा, ठीक है। अगर यही मेरा टेक चैनल होता जो टेक चैंपियन था, $4,500-$5,000, और अगर ये फाइनेंस का होता तो $10,000 होते हैं, बस यही चीज है। चैनल की कैटेगरी के हिसाब से, अभी नया चैनल है तो काफी सारे लोग परेशान रहते हैं, सर आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है, हमारे हमको 5,000 पे मिल रहा है, 10,000 पे मिल रहा है। देखो इसके पीछे के गणित में आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आप एक डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, एक ऐसा सर्किल है जहां पे बहुत भीड़ आती है और एक ऐसा सर्किल है जहां पे बहुत कम लोग जाते हैं, दोनों सर्किल पे पोस्टर लगाना है, तो जहां पे ज्यादा भीड़ आती है उस पोस्टर लगाने के पैसे ज्यादा लगेंगे, और जहां पे कम भीड़ आती है उस पोस्टर को लगाने के पैसे कम लगेंगे। तो एडवर्टाइजर जब यूट्यूब के पास लेके आता है कि हमको एक एडवर्टाइज करना है, तो गूगल एडसेंस ये सेट करता है कि ये चैनल बड़े चैनल है, इनके पास ऐसी ऑडियंस है, तो वहां पे फिक्स एडवर्टाइजमेंट आती है। आपने देखा होगा कई बार जो मोबाइल के अनबॉक्सिंग के चैनल्स होते हैं उन पे उस टाइम जो नया मोबाइल लॉन्च होता है उसके फिक्स एड उसी चैनल पे चलते हैं। तो जब चैनल पुराना होता है तो आपकी एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है और आपके वहां पे फिर एडवर्टाइज जो है वो महंगे आते हैं और एडवर्टाइजर ज्यादा पैसा पे करता है, इसलिए आपको ज्यादा पैसा मिलता है, नए चैनल पे वो नहीं होता। YouTube पर उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे हमारे ऑडियंस, ये CPM वर्क CPC जो इंक्रीमेंट वाला एक है चल रहा है, तो क्या वो सही है? देखिए CPM की बात करूं तो ये आज से नहीं चल रहा, हाँ, मैं तो 2017 हाँ, से इसके बारे में जानता हूं। पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर ने इसके बारे में पहले वीडियोस बनाई थी, इंडिया में बाद में बनने लगी है। बाकी CPM वर्क के बारे में मैं जो यूट्यूब का मैं कंट्रीब्यूटर भी हूं, मैं कहूंगा यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के बिल्कुल खिलाफ है और यूट्यूब कभी भी आपके चैनल को उड़ा सकता है, ये पूरा आपका रिस्क है। एग्जैक्टली ये आपका रिस्क है, और यूट्यूब ये भी कर सकता है कि जब आपका चैनल को उड़ाएगा वो आपको दूसरा चैनल भी नहीं बनाने देगा। तो ये चीज है, अगर आप शॉर्ट टर्म गेम खेलना चाहते तो कीजिए, मैं इसको रिकमेंड नहीं करता। तो मत करना भाई, नहीं तो बाद में बैठ के रोगे, क्योंकि एक बार पैसा कमा लेना और कमाते रहना इन दोनों में बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। वही चीज है, वही चीज हम बताते हैं कि एटलीस्ट हमेशा हर महीने आपको पैसा मिले ना, सो के आप पैसा कमाइए, बिल्कुल काम करना ना करना पड़े, एक सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए आपकी अर्निंग में, सही बात है। तो सर एक चीज लास्ट क्वेश्चन है बस, हमारी जो ऑडियंस थोड़ा सा टिप्स बताइए, वीडियो में आप भी बहुत कुछ बताते हैं लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं दे पाते हैं, लोगों को प्रैक्टिकली चाहिए, किस तरह के टिप्स के बारे में। मान लीजिए मैं अभी बोलूं कि कोई टॉपिक है इस पे चैनल पे बनाइए, तो लोग क्या है ना कि हमने बोला ठीक है, बोल के करना और उसको करके दिखाना में काफी डिफरेंस होता है। जब हम उस लाइन पे खुद काम करते हैं तब हमें हकीकत पता चलती है कि वाकई में इसमें स्ट्रगलिंग कितना ज्यादा मेहनत है। देखिए प्रैक्टिकल ये है कि आपने जैसे मान लो आपने एक वीडियो बनाया कि इन 5 कैटेगरी में बहुत ज्यादा अर्निंग है, जैसे आपने पहला ही बताया कि भाई फाइनेंस में बहुत अर्निंग है, अब किसी ने आपका वीडियो देखा उसको फाइनेंस की एफ भी नहीं पता, इवन वो उसको ये भी नहीं पता कि फाइनेंस का एक्चुअल नेम फिनेंस है, बस उसने अपना चैनल चालू कर दिया, अब उसे नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है तो प्रैक्टिकल पे कभी वो कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाएगा, वो फिर क्या करेगा किसी और फाइनेंस के क्रिएटर को देखेगा, फिर उसकी वीडियो को देख के थोड़ा बहुत चेंज करके वीडियो बनाएगा, तो ऑडियंस को पता चल जाता है, क्योंकि फाइनेंस को देखने वाले की ऑडियंस भी अलग है, यूट्यूब टिप्स को क्रिएटर ही देखेंगे, व्लॉग हर चीज की ऑडियंस अलग है, वो आपको भी देखती है और जो वेल सेटल्ड यूट्यूबर है उसको भी देखती है, तो उनको मालूम चलता है। तो प्रैक्टिकल यही है, मैं हमेशा यही कहता हूं, चैनल आप चाहे 10 दिन बाद बनाओ, पहले 10 दिन तक ये स्ट्रेटेजी बनाओ, डीप रिसर्च करो और ये देखो कि जिस कॉन्टेंट पे मैं काम कर रहा हूं इसमें या तो मुझे बहुत नॉलेज है या मेरा इसमें इंटरेस्ट है तो मैं सीख लूंगा, क्योंकि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं तो आप सीख नहीं पाओगे, खुद सीखो सिखाओ। एक चीज मुझे बताइए, अभी मेरा 7 से 8 महीने का चैनल हुआ है और आज 2,30,000 सब्सक्राइबर हो गए, तो लोग आप बताइए थोड़ा मेरे चैनल के बारे में कि आखिर मैंने कैसे काम किया है और क्या आपको लगता है मेरे चैनल को ग्रो होने का राज़। देखिए मैं बताता हूँ, आपका चैनल भी YouTube टिप्स का ही है, हाँ, आपने क्या किया है एक अपने चैनल पे एक स्टोरी सेल की कि भाई मेरा एक चैनल था 4 मिलियन का, वो मेरा डिलीट हुआ, अब इससे एक ट्रस्ट बन गया सामने वाले को कि यार इनका एक चैनल है उस पर ये बड़ा कुछ फोड़ चुके हैं, तो ये एक मेन स्टोरी बन जाती है चीज की। और मैं हमेशा कहता हूं वीडियो मत चलाओ, अपना एक लाइफ का स्टोरी लोगों से शेयर करो, और उस स्टोरी की वजह से आपका चैनल जो है धीरे धीरे ग्रो होता गया, क्योंकि लोगों को लगा कि यार इन्होंने पहले काफी कुछ कर रखा है यूट्यूब में और तब ये एक्सपीरियंस दे रहे हैं,
ये एक वजह थी इसकी मेन, और मेरे को लगता है मैं सही कह रहा हूँ। हाँ सही है कि मेहनत नहीं किया क्या हमने? मेहनत तो करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत तो कुछ नहीं है। मेहनत तो आपको खाना खाने में भी करना पड़ेगा। और एक चीज और भी है, मैंने जैसे आपका चैनल देखा उसमें मेरे को एक चीज और भी लगी कि टिप्स सब तरीके नॉर्मल तरीके से बता रहे थे। हाँ। आपका जो प्रेजेंटेशन का तरीका था वो आपने काफी अलग यूनिक लाए, बहुत तरीका चेंज किया। तो ये दो कारण मेरे हिसाब से मुझे लगता है वही है, चीजें वही, समझाने का तरीका अलग होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल समझ जाए, ये चीज है एग्जैक्टली। और सर गरीबी दिखा के क्या कोई वायरल हो सकता है? बहुत सारे लोग चल रहे हैं आज। देखिए ये भारत में नहीं पूरी दुनिया में चलता है, इसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, और ये सोशल मीडिया पे भी चलता है, पॉलिटिक्स में भी चलता है। अच्छा। और ये काम भी करता है, काम करता है। मैंने कभी इसे यूज नहीं किया लेकिन आज मैं रियलाइज करता हूँ, रियलाइज कर रहा है सर, कि रोना धोना थोड़ा इमोशनल अटैचमेंट करना। हाँ, और हम इंडियन से तो इमोशनल तो हम हैं। हाँ है। तो सर हमारा एक चैनल है होप टॉक, वो भी इमोशन से जुड़ा हुआ है, आपने देखा होगा उसके बारे में। तो क्या उसमें जो लोग आते हैं हम उनका वीडियो शूट करते हैं, उनका एक लाइक जैसे जो स्टॉक है वैसे वीडियो शूट होता है, लाइफ स्टाइल स्टोरी, स्ट्रगलिंग स्टोरी जो है, और काफी सारे लोगों को फायदा हुआ उससे, तो क्या वो चैनल लोगों के लिए सही है? जो लोग देखिए वो चैनल मैंने आपका देखा है और वो आपका एक अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि लोगों ने जब भी पॉडकास्ट की बात करी है, इंटरव्यू की बात करी है, तो लोगों ने हमेशा सक्सेसफुल लोगों से बात करी है। लेकिन मैंने आपको कहा इमोशनल है हम लोग। हाँ। तो आप उन लोगों को सामने लेके आते हो जो कहीं नहीं जा पा रहे, तो ये बहुत अच्छा आपका कदम है, और मैं ये कहूंगा इसको आप कंटिन्यू रखिएगा, इससे बहुत लोगों को बेनिफिट मिलेगा, और मैं भी आपका वो चैनल देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सर मैंने अभी उसमें एक महीने में ही 1 मिलियन वीडियो हिट हो गई। हाँ मैंने वो भी देखा अभी, कल मैं अपनी टीम से यही बात कर रहा था, 1 महीने में सिर्फ वो चली है वीडियो थंबनेल और टाइटल पे। ऑडियंस रिटेंशन सर 40 सेकंड में उसको लोग नहीं देखे। मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था, ऑडियंस रिटेंशन का एल्गोरिथम चेंज होगा, आपका थंबनेल अच्छा होना चाहिए, थंबनेल और टाइटल क्लिकेबल दोनों होगा, बिल्कुल ऑटोमेटिक रिकमेंडेशन। एग्जैक्टली। और सर बहुत कुछ सीखने को मिला हमारी ऑडियंस को, हमें भी सर बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऑडियंस हमारी चाह रही थी कि आप हमारे चैनल पे आए, सारे बड़े क्रिएटर आ चुके, मैं खुद भी चाह रहा था सर, सारे क्रिएटर आ रहे थे, बस आप बचे थे, पता नहीं कहां आप, अरे हम आपको खोजते-खोजते यहां आ ही गए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और बहुत ही सर को तो आप जानते हैं, बोलने की जरूरत ही नहीं हम क्या बोले, क्योंकि हमारे चैनल के दूसरे नंबर पे सर का नाम आता है ऑडियंस में, हमारी ऑडियंस ज्यादा आपके भी वीडियो देखती है, सबसे पहले मनोज थे, फिर आपका नाम आता है, इसके बाद और ब्लॉगर्स हैं कुछ, बस ये थी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, और सर और भाई साहब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और होप टॉक्स को बहुत प्यार दीजिएगा, क्योंकि वो एक बहुत ही अलग तरह की पहल है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलकर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, शुक्रिया।